Uh, very uh, venerable beards. Uh, we are going to share uh, teaching strategies to develop uh, uh, safety awareness. Uh, safety awareness uh, is one of the uh, good uh, measure that we to adopt. Uh, first of all, if we talk about the uh, spaces for play, it should be. मैंशंट कि यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं या किड्स आर प्लेइंग और उसमें बोर्ड ऐसा नसब कर देना चाहिए उसकी ज़रूरत इस लिहाज से है कि ट्रैफिक इज़ कंट्रोल्ड और फिर ड्राइवर्स आर वेल विजिलेंट अबाउट इट कि यहाँ बच्चे जो है वो खेल रहे हैं या बच्चे मौजूद हैं कम अज़ कम और उसमें फिर यह है कि हम उनकी सुपरविजन ज़रूर रखें रर दे दे आर एन द होम सिचुएशन रदर दे आर एन द प्ले ग्राउंड तो सुपरवीन से मुराद ये है कि वी मस्ट बी विजिलेंट अपट इट उनको अन uh, अटेंडेड छोड़ देना और मेकिंग फ्री फॉर एवरी एक्शन तो खेलने के दौरान बहुत सारे प्रीकाशंस और प्रिवेंटिव मईस की ज़रूरत है जिसमें आगे जाके हम देखते हैं कि खेल के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें बच्चे इतने सेफ नहीं होते और उसमें आ, जो डोर्स हैं हमारे दरवाज़े के अंदर चीज़ें और उसमें ऑटोमेटिक जो डोर क्लोज हो जाते हैं फिर ये है कि वो ओपन उस तरह से नहीं होते या बटन से ओपन होते हैं उनके लिए हमें बहरल अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी इंडिकेशन ज़रूर बच्चों का हम उसमें उन सर शामिल रखें कि बच्चे फॉरी ईजीली उसको पुश करें प्रेस करें तो वो ओपन हो जाए आमतौर पर यह है कि डोर जो है ना वो बादों का जैम होते हैं या वो लॉक हो जाते हैं या फिर यह है कि वो सिंपली दे क्लोज्ड तो उनके अंदर जो स्टिफनेस है या फिर यह है कि दे आर नॉट सो मूविंग एंड इजीली ओपन एंड क्लोज तो उसमें आ, हम आ, विजिलेंट रहें कि डोर्स आर वेल मेंटेन्ड इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं हैज़र्ड्स हैं मसलन बैटरीज़ हैं खिलौनों में या फिर यह है कि वैसे जो हम मोबाइल के अंदर बैटरीज जो वेस्ट हो जाती हैं या फिर यह है कि बाज़ात वैसे हम आ, बैटरी चेंज की तो हमें याद ना रहा या हम थोड़ा सा वी गाट अवे फ्रॉम दैट प्लेस तो उस सूरत में यह है कि बच्चे उसको मुंह में डाल सकते हैं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कोई इंजरी हो सकती है कोई और इस तरह से हैजट जो ना को देखना पड़ सकते हैं इस तरह कुछ फिज़िकल अरेंजमेंट्स हैं घर के अंदर जो हमें बारल देखने हैं जैसे डोर लॉक्स हैं उनके हैंडल्स हैं कुछ उसकी शेप इस तरह से होती है कि जिनको हम देखते हैं कि दैट इज़ शार्प और बात बच्चे उनसे टकरा जाते हैं बच्चों की आदत होती है, हैबिट है और इस पर हम कोई क... इस तरह से कोई कदगन कंट्रोल नहीं कर सकते कि बच्चे मूव ना करें बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर होते हैं होते है। और लेकिन हमें प्रिवेंटिव में इसका ख्याल रखना है कि कोई ऐसी जो शार्प चीज़ें हैं जो को कील लगे हुए हैं या कोई ऐसी बात है तो बच्चों की एक तो हाइट से ऊपर हो देन इट इज़ सेफ़ लेकिन बाद हम ये देखते हैं कि दरवाज़े में से कुछ कील निकले हुए हैं या फिर यह वो जो हैंडल हैं वो इस शेप के हैं कि वो बड़े शार्प हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का बर ख्याल रखना है इसमें जो हैंडल्स हैं और डोर्स के और उनको मूव करना ये बच्चों के लिए बाद ऑपरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है तो उसमें हमें उनको या तो थोड़ी बहुत उसको ट्रेनिंग में से गुजारा जाए या फिर यह उसको प्रैक्टिस करा दी जाए तो ये ज़रूर किया जाना चाहिए और फिर यह है कि कुछ बच्चे जो जिनसे हमें कुछ ऐसी बातें ज़रूर करनी चाहिए कि वाट थिंग्स आर रिस्की उससे हमें अवॉइडेंट रहना चाहिए हम यानी अप्लाइंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर मेडिसिन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस तरह से बच्चों की ओरिएंटेशन पर ख़ास पर ख्याल रखना चाहिए थैंक यू वेरी मच फॉर अ गुड लिसनर